नमस्कार वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। कोरोना का नया वेरिएंट काफी खतरनाक साबित हो रहा है। मौजूदा हालात को देखकर आने वाले दिनों में संक्रमण में कमी के आसार नहीं। कोरोना से जंग जीतने के लिए देश में टीकाकरण का काम तेजी से किया जा रहा है। कोविन और आरोग्य सेतु ऐप के जरिए रजिस्ट्रेशन कर टीकाकरण किया जा रहा है, लेकिन बुधवार को कोविन और आरोग्य सेतु ऐप में तकनीकी खराबी हो रही है। वजह है, आज से 18 साल से अधिक उम्र के लिए वैक्सीनेशन का रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। रजिस्ट्रेशन शुरू होते ही कोविन ऐप पर इसका सिस्टम क्रैश कर गया। बहुत सारे लोगों ने जैसे ही इस पर रजिस्ट्रेशन के लिए प्रयास किया तो मैसेज आया कि कोविन और आरोग्य सेतु सर्वर अभी समस्या का सामना कर रहा है। ट्विटर ऐसे मैसेजेस से भरा हुआ जिसमें कोविन ऐप और आरोग्य सेतु की वेबसाइट के क्रैश होने या फिर ठीक से नहीं चलने की बात कही गई। Can you give us a sense of the preparations? What different this time? Because the number load will be much bigger than the previous ones. Yes, you are right. We were having a registration of about 5 million people in a day on many days. And now I think we expect more than double that number today because a lot of people are looking forward to making, making the registration on the system. I just want to, tell your viewers through your platform that making registration is one part, but getting an appointment will depend on the kind of facilities when they come up on this platform and when they start vaccination. So it may happen because this is to come, the program has to happen from 1st of May, and there may be situations where some states may come on board on 1st of May, some may come later, or some hospitals may come on 1st of May and some may come later. Therefore, the visibility into the bookings or the vacancies will be available as and when those entities come on board. So people should have patience in the sense that they can continue looking for the vacancies. And we are creating a separate utility, separate search facility where you can see as to which are the vacancies which are available. कोरोना टीकाकरण के तीसरे चरण के अंतर्गत 1 मई से 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों का टीकाकरण शुरू होना है। बिना रजिस्ट्रेशन के वैक्सीन नहीं लगी। कोरोना वैक्सीन के लिए आप पहले से रजिस्ट्रेशन कर अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। इसके लिए कोरोना वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क कोविन प्लेटफॉर्म बनाया गया है। इन प्लेटफॉर्म पर टीकाकरण से जुड़ा हर डेटा उपलब्ध होगा। 18 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए वॉक इन यानी बिना रजिस्ट्रेशन के टीकाकरण की सुविधा नहीं। वहीं 45 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए वॉक इन की सुविधा मिलेगी। यानी 1 जनवरी 1977 से पहले जन्मे लोग बिना रजिस्ट्रेशन के भी वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचकर टीका लगवा सकते हैं। इन्हीं शर्तों के कारण बुधवार को रजिस्ट्रेशन शुरू होते ही कोविन और आरोग्य सेतु ऐप क्रैश कर गया। इस खबर में फिलहाल इतना है। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।